नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक योर लाइफ इजी टेक्निकली में। दोस्तों, क्या आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना है? क्या आपने फ्रीलांसिंग वर्क के बारे में सुना है कि ऐसा काम जो आप घर बैठे ही कर पाओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, ना ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़े, ना किसी टाइमिंग बाउंडेशन में काम करना पड़े, ईजिली आप जो है वो अर्निंग कर सकें घर में बैठ के। तो दोस्तों, आज हम आपको उस फ्रीलांसिंग के बारे में बताएंगे कि ये फ्रीलांसिंग वर्क होता क्या है, कैसे हम इसे मिलता कैसे है फ्रीलांसिंग वर्क जो जिसने भी करना हो, और एक्चुअल में इसके क्या बेनिफिट हैं और इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, यानी अगर हम इस काम को करते हैं तो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस से कैसे डिफरेंट है। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे इस समय नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी सारे डेली टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं जो आपको हेल्पफुल रहती हैं। दोस्तों, फ्रीलांसिंग में होता क्या है? फ्रीलांसिंग वर्क अगर कोई करता है तो वो सिर्फ घर में बैठ के ईजिली कर पाता है, जिसमें वो टोटली इंजॉय करता है। टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे ऑफिस जाते हैं 9 to 10 जाना है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपको काम मिला होगा चाहे आप 7 दिन में करें, 7 घंटे में करें, नो हेडेक, कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही काम कर रहे होते हो, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका कोलीग नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे। मील्स काम करते समय आप चाहे कॉफ़ी पीजिए, टी पीजिए, मील ले सकते हैं। ऑफिस कुछ भी नहीं है इसमें, टाइमिंग कोई नहीं है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इनकम। घर में बैठ के इनकम कौन है जो अर्न नहीं करना चाहता? तो दोस्तों, आज की वीडियो जो ये वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनर लेवल के लिए, बिगनर इन द सेंस जो अभी जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि कॉलेज के साथ साथ क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जहाँ से उनके जो पॉकेट मनी वो जो घर से लेते हैं वो खुद ही अर्न कर पाएँ और किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा कुछ काम किया जाए कॉलेज के साथ साथ, कॉलेज भी इंजॉय हो, पैसे भी हों पॉकेट में, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे कुछ हमने अपने जो है ड्रेसेस लेनी है, शूज़ लेने हैं, आईफोन लेना है, कुछ भी लेना हो, पैसे होंगे तभी ले पाओगे। तो कॉलेज के ड्यूरेशन में क्या होता है कि सबको ये इंटरेस्ट होता है कि कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे उनका कॉलेज भी इजीली चलता रहे और पॉकेट में मनी भी हो। तो दोस्तों, ये कैसे होता है, ये पॉसिबल होता है फ्रीलांसिंग वर्क के साथ। कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, क्या है, कौन से स्किल्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए कि हमें इंजॉय कर पाएँ घर में बैठ के काम। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो हो गया, और कौन ऐसा बंदा है जो ऑफिस जाना चाहता है? कोई नहीं चाहता, ऑफिस घर में ही हो, घर में ही हम काम करें, हमें सैलरी आ रही हो और किसी को पता न लगे कि ये बंदा कर क्या रहा है और इतने पैसे ये अर्न कर कैसे रहा है। तो दोस्तों, इसी काम को, इसी प्रोसेस को फ्रीलांसिंग बोलते हैं। इसकी क्या जो है डेफिनेशन है, कैसे होता है ये, क्या होता है, कहाँ से हमें ये काम मिलेगा, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिनके पास, जिससे हम ये काम को ईजिली गेट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, ये सभी के लिए, स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, एज़ पर जो भी वो स्टडी कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही वो काम सर्च करें ताकि एक्सपीरियंस पहले ही हो, और अगर कोई एक्सपीरियंस बनता है तो वो भी आप पार्ट टाइम कर ही सकता है चाहे वो जॉब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपको सीधा सीधा इसमें बताया है कि फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस बोल देते हैं, फ्रीलांसर बोल देते हैं, और फ्रीलांस वर्कर बोल देते हैं, इसलिए 3 टर्म्स में यूज़ होता है। ये वो बंदा होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और नेसेसरी कमिटेड नहीं होता कहीं किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, यानी किसी वो कंपनी में कमिटेड नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर रहा होता। कुछ देर के लिए हो सकता है कि उसे कोई प्रोजेक्ट मिला हो जिसमें वो काम कर रहा है और उसके लिए उसकी उसे पेमेंट हो रही है। फ़ायदा दोनों तरफ होता है, जो घर में काम कर रहा है उसे भी होता है क्योंकि वो अर्निंग कर रहा होता है, और ऑफिस साइड भी होता है क्योंकि जहाँ वो कोई एम्प्लॉय हायर करेंगे उसे मंथली या एनुअल पे करते हैं तो वो इजीली उसे कुछ ही टाइम में बाहर से हायर कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों इसके? फ्लेक्सिबिलिटी बता ही दिया। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि इसमें कोई टाइमिंग का बॉन्डिंग नहीं है, जब मर्जी उठो काम करो, रात को सारा दिन काम करो, जल्दी ख़त्म कर दो,
चॉइस ऑफ क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्लाइंट के साथ काम करना, बोरिंग क्लाइंट है, चिट चिट करता रहता है, तो ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से आप काम चूज करोगे, आप अपना रेट खुद आप सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपका जो है सैलरी फिक्स कर रही है, आप जितना रेट बोलोगे उसके अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट डील हो जाएगी तो आपको काम मिलेगा या आप काम कर सकते हो, अदरवाइज फोर्सफुली कुछ नहीं है। स्किल इंप्रूव करने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही काम को आप 10 से 10 साल करते रहो। कोई भी नया काम पकड़ो और सीखो। एक्सपोजर टू ग्लोबल ब्रांड, मार्केट वैल्यू अगर आपकी एक बार अच्छी बन जाती है तो समझिए आप ग्लोबल ब्रांड में भी इजिली जो है वो जॉब कर सकते हैं। जॉब इन द सेंस फ्रीलांसिंग वर्क आपको मिल सकता है। जब दोस्तों हम अपनी फ्रीलांसिंग वाली प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम किसी को काम करके देते हैं और रेटिंग करता है, उस बेसिस पे आपको ग्लोबल ब्रांड से भी काम आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के इसके फायदे हैं, क्योंकि आपको कोई लीव लेने की जरूरत नहीं, कहीं पे काम जाना हो अपना कोई इंपॉर्टेंट तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कैटेगरी हैं जो हमने कुछ डिफाइन की हैं फ्रीलांसिंग वर्क में, कौन कौन सी कैटेगरी यानी किस किस तरह का काम आ सकता है वो डिफाइन की है, वो आपको बताएंगे। क्योंकि इसके लिए स्किल्स होना वो जरूरी है। फ्रेशर भी कर सकता है काम, लेकिन उसे काम के चांस कम मिलते हैं, एक्सपीरियंस बंदे को ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे डेवलपमेंट एंड आईटी है। इसमें क्या है कि जब कोरोना COVID-19 के टाइम में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा काम डेवलपमेंट में आईटी वालों का चला था, सबको फायर कर दिया गया था कंपनी से। हो सकता है आईटी से भी क्या हो, लेकिन काफ़ी हद तक 60-70% जो थी वो जॉब सिक्योर थी, जिसमें वेब डेवलपर होते हैं, यूएक्स डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, कोई वेबसाइट बना रहा होता है, कोई डिज़ाइन कर रहा होता है, कोई कोडिंग कर रहा होता है बैक एंड की। तो इसकी डिटेल्स आपको साथ में दी हुई है कि क्या होता है अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट BCA कर रहा है, BTech कर रहा है, BSc IIT कर रहा है, तो इन्हीं कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसके साथ साथ यानी अगर वो पढ़ भी रहा है, सीख भी रहा है, तो जॉब सर्च करें। सर्च कहाँ से करनी है हम आपको एंड में बताएंगे, एप्लीकेशन रेफर करेंगे। लेकिन इसमें ये तीन कैटेगरी हैं जो डेवलपमेंट IT में आ रही हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टडी कर रहा है, एक्सपीरियंस बनता है, तो जॉब ईजिली गेट कर सकता है। फ्रीलांसिंग वर्क है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, इजीली अप्लाई करें, लोग आपको भी अप्रोच करते हैं। तो घर में बैठ के आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप वर्क फ्रॉम यानी किसी ऑफिस में भी काम करते हो तो फ्रीलांसिंग बहुत सारे लोग करते हैं IT वाले, और ढेरों ढेर पैसे वो अर्न कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। ये तीन कैटेगरी में फॉल होता है तो आप इजीली अर्न कर सकते हो। इसमें से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सी चूज़ करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो ज़रूर देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। दोस्तों डिज़ाइन एंड क्रिएटिव कैटेगरी में चार तरह के जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले होते हैं, फोटोशॉप वाले होते हैं। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट है तो इनमें से वो क्या सीखना चाहता है, किस लाइन में अपना जो है वो करियर बनाना चाहता है, तो वो उसे सिलेक्शन कर सकता है। इस बेसिस पे वो जो है वो जॉब सर्च जॉब ले सकता है, फ्रीलांसिंग काम ले सकता है, उस पर काम करना शुरू करेगा। क्योंकि एंड ऑफ द जब उसका कॉलेज लाइफ ख़त्म होती है तो उसे प्रोजेक्ट मिलता, उस समय भी ईजी रहेगा, और उस प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद जब जॉब सर्च करने के लिए जाएगा या इंटरव्यू देगा तो काफ़ी हद तक उसे पहले से ही आता होगा और जॉब ईजिली मिल जाएगी, और धीरे धीरे वो अपना पैकेज इजली इंक्रीज कर सकता है। तो ये चार तरह की कैटेगरी थी, कैटेगरी डिज़ाइन एंड क्रिएटिव है, लेकिन इसमें चार तरह की सब कैटेगरी फॉल करती हैं। फोटोशॉप वाले होते हैं, कुछ फ़ोटो बना जो इमेजेस में ज़्यादा काम करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं जो वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। वीडियो एडिटर वो होते हैं, जैसे आपने फेसबुक यूट्यूब काफ़ी जगह पर देखा होगा कि जो वीडियो जो चल रही होती है वो सिंपल वीडियो नहीं होती, जैसे हम फ़ोन के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें काफ़ी सारी एडिटिंग होती है, बैकग्राउंड कुछ और होता है, कभी चलती स्क्रीन में कुछ और दिखाई देता है, सामने कुछ प्रॉम्प्ट आया होता है, तो वो वीडियो एडिटर ही होते हैं, उन्होंने हायर किए होते हैं यूट्यूब वालों ने या फेसबुक वालों ने, जो जिसका भी अकाउंट होता है, इसलिए वो वीडियो इंटरेक्टिव हो जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनर भी होते हैं कुछ, इन्होंने देखे लोगो बनाना है, कोई कॉर्पोरेट लिटरेचर बनाना है, वेबसाइट ब्रांडिंग के कुछ एलिमेंट क्रिएट करने हैं, तो वो काम ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी इनमें एक्सपीरियंस है तो इजीली इसे जॉब फ्रीलांसिंग काम मिलेगा। प्रोफाइल क्रिएट की होगी, रेटिंग अच्छी होगी तो ईजिली क्लाइंट खुद अप्रोच करेगा। दोस्तों थर्ड वन है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग तो फॉर एवर ही है, चीज़ें बनेंगी बिकेंगी भी, प्रोडक्ट बनते हैं बिकते भी हैं। आउटरीच कोऑर्डिनेटर, मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, कस्टमर कॉन्टैक्ट मैनेजर, तो ये तीन तरह की कैटेगरी हैं जिसमें कस्टमर कॉन्टैक्ट मैनेजर
में भी आप कॉल सेंटर जॉब देख सकते हो। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, काफ़ी सारे जॉब्स बंद हो गई थी, फायर कर दिया गया था, लेकिन जिसके पास मोबाइल था, लैपटॉप था, इंटरनेट चल रहा था, उन्हें काफ़ी सारी जॉब्स मिली हैं, क्योंकि घर में फ़ोन कॉल पर ही तो उन्हें सिर्फ कस्टमर को अटेंड करना होता है। मार्केटिंग स्किल्स अगर किसी के पास हैं तो वो किसी को एडवाइस कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट ले सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों में सिर्फ एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए हायरिंग हुई होती है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है। आउटरीच कोऑर्डिनेटर भी एक तरह की कैटेगरी है, जिसमें फ्रीलांस आउटरीच कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो फिगर आउट करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे कैसे क्लाइंट को कैसे सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, इनमें से एक और कैटेगरी है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। इसमें क्या है, कॉपी राइटर, एडिटर, ट्रांसलेटर, तो ये भी एक तरह का काम है। ये शायद जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद सभी को ना पता हो। कॉपी राइटर यानी आपको कुछ टाइपिंग का काम मिल सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ इमेजेस होती हैं, वैसे तो इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होते, तो अगर कोई टाइपिंग में तेज है तो वो टाइपिंग करके अर्निंग कर सकता है। एडिटर है, जैसे कोई ब्लॉग वगैरह क्रिएट करता है, उसमें इन्होंने साफ साफ दिया है कि कोई टाइपो एरर है, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो वो एडिटर का भी एक स्पेसिफिक जो है वो फील्ड होती है। ट्रांसलेटर, जैसे कई बार क्या होता है कि एक इंग्लिश को आपने डिफरेंट डिफरेंट मल्टी लिंगुअल लैंग्वेज में उसे जो है वो ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए भी एक परफेक्ट बंदा चाहिए होता है, ये भी एक तरह की जॉब है। एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर, डेटाबेस मैनेजर, ई कॉमर्स मैनेजर, तो ये देखिए ये तीन तरह की सब कैटेगरी अगेन एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट में आती हैं। कस्टमर सर्विस कोऑर्डिनेटर में हम अगेन कस्टमर सर्विस वालों को ले सकते हैं, इफ़ यू हैव एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कॉल पे ही बात करनी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड इंश्योरिंग दैट कस्टमर रिसीव एक्सलेंट सर्विस, तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का काम ही है। कॉल पे आप सपोर्ट कर सकते हो, आप देखिए सभी नंबर होते हैं, कॉल करिए टोल फ्री नंबर पे, ये लोग ही होते हैं जो फ्री में काम कर रहे होते हैं, यानी फ्री लांसिंग काम कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजर, किसी भी कंपनी का, किसी भी वेबसाइट का डेटा हम जो मेंटेन करते हैं। ई कॉमर्स, जैसे काफ़ी सारी ऑनलाइन शॉपिंग होती हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारा जो है वो एडमिन सपोर्ट का काम मिल जाता है। कई बार यूआई बने होते हैं, उसे यूज़ करना होता है। एप्लीकेशन सपोर्ट मैनेजर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, अकाउंटेंट जो होता है वो आप जो अकाउंट हैंडल करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टर, ये तीनों तरह की कैटेगरी हैं। अकाउंट हो गया कि कोई जैसे हम फ्रीलांसिंग काम हमें हायर कर लेते हैं, काफ़ी टाइम ही होता है कि आजकल कंपनियां पैसे बचाती हैं, वो मतलब ऑफिशियली यानी वर्क फ्रॉम ऑफिस हायर नहीं करते, फ्रीलांसिंग में हायर कर लेते हैं, कि काम थोड़ा होता है, 30 डेज का काम वो 7-10 दिन में करवा लेते हैं, उन्हें भी फ़ायदा, और कोई बंदा हायर नहीं करना पड़ता, और 7 डेज की पेमेंट होती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी अगर किसी ने बोल दिया भाई मेरे पास पैसा आया, ये मैं कहाँ पे जो है इन्वेस्ट करूँ, तो वो आपको बताएंगे कि ये पैसा यहाँ पे लगा दिए। तो ऐसे इन्वेस्टर यानी स्टॉक मार्केट का लगा लीजिए, तो वो इन्वेस्टर ही होता है जो काम कर रहा होता है बैकएंड में। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में भी कैटेगरियाँ, पेरोल मैनेजर, रिक्रूटर, जनरल एचआर एक्सपर्ट। पेरोल मैनेजर, किसी भी कंपनी में कोई ना कोई पेरोल सिस्टम होता है, सैलरी वगैरह देनी होती है, तो पेरोल मैनेजर एक होता है, वो अगर एक्सपीरियंस है तो वो काम इजीली मिल जाता है। रिक्रूटर, बंदे कंपनियों में आते जाते हैं, कोई छोड़ जाता है, कोई न्यू हायरिंग होती रहती है, तो वो रिक्रूटर का काम है, आप फ्री अनाउंसिंग में कर सकते हो। जनरल एचआर एक्सपर्ट, आप कंपनीज के एचआर को एक्सपर्ट कर सकते हो, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ऑलरेडी, देन ये तभी हो पाएगा अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये तीन तरह की ह्यूमन रिसोर्स में जो है जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग में। फ़र्क इतना ही है, या तो आपको स्टार्ट करना होगा या एक्सपीरियंस है तो ईजिली आपको जॉब मिल जाएंगी। तो लीगल वे में क्या है, लीगल एक कैटेगरी है जिसमें लॉयर है, रिमोट सेक्रेटरी है, पैरालीगल, तो ये तीन तरह की दोस्तों लीगल में भी आती है। लॉयर क्या करता है, एडवाइस करता है, सजेशन देता है, कॉल पर भी देता है, ज़रूरी तो नहीं कि कोर्ट में बैठा हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कॉल की, तो उसके जो भी चार्जेस होते हैं सजेशन के या हैंडल करने के अपने क्लाइंट को, तो वो इजली घर में बैठ के ही फ्रीलांसिंग का काम कर सकता है। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, सो आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, रिमोट मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। दोस्तों, जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट वालों का काम क्या होता है कि वो जैसे जो हाउस, जैसे कोई भी घर बन रहा होता है तो उसका जो नक्शा होता है, डिज़ाइन तैयार करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर वो होते हैं, अगर कोई
जो आपका घर है वो बन चुका है, उसके अंदर आपने कहाँ पे फ्रिज होगा, कहाँ पे एसी होगा, रेफ्रिजरेटर कहाँ पे होगा, टीवी कहाँ पे, तो इंटीरियर डिज़ाइनर है जो लुक एंड फील देते हैं रूम्स को। रिमोट मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, फ्रीलांसिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स भी फ्रीलांसिंग काम कर सकते। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर, तो यूट्यूब क्रिएटर भी अच्छे खासा फ्रीलांसिंग काम ही होता है, लेकिन मेहनत पूरी होती है इसमें। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करना होता है, डेली की वीडियो डालनी होती है, आपको सर्चिंग करनी होती है, स्टडी करनी होती है, सारा करोगे तभी अच्छा कंटेंट बनता है। तो जो YouTube में काम करते हैं तो वो भी आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, ये भी एक फ्रीलांसिंग काम में मैंने आपको ऐड करके दिया है, तो कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी इसमें कर सकता है, लेकिन इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी अभी की वीडियो का, कि ये जॉब्स हम सर्च कहाँ पे करें, अर्निंग जो करनी है वो होगी कैसे। ये देखिए, आपके लिए मैं कुछ एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें Upwork टॉप पे है। Upwork फॉर फ्रीलांसर हायर एंड फाइंड जॉब्स, देखिए Shopify इनबॉक्स, TDO, यूजर टेस्टिंग, ये देखो रेनबो, WX ओनर, 24 टास्क हायर एंड फाइंड जॉब्स, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। LinkedIn में भी होता है, और ये देखिए फीवर एक एप्लीकेशन है, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। दोस्तों आप इसे जरूर इनमें ट्राई करें। मैं तो यही बोलूँगा कि फ्रीलांसिंग काम करना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल एक काम है। दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि भाई हम घर में बैठ के काम करें, इंजॉय करें, टाइमिंग की बाउंडेशन ना हो, ऑफिस ना हो, इनकम ही जनरेट करें, हम मील्स नहीं, खाना पीना साथ साथ में काम के चलता रहे, हेडेक कोई ना हो, ये सब कुछ आपको ऑफिस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम होता है फ्रीलांसिंग वर्क्स में। क्योंकि आप घर में काम कर रहे होते हो, कोई बॉस नहीं है, जो काम मिला हुआ है उसे सिर्फ आपने डन करके देना होता है। और काम कैसे मिलेगा वो मैंने आपको एप्लीकेशन सजेस्ट कर दी है, उसमें अपनी प्रोफाइल बनाइए और देखिए कब तक आपको काम मिलता है। काम मिलना शुरू होगा, मार्केट वैल्यू आपकी अच्छी बनेगी, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना मत भूलना, सबके पास इसे वायरल कर दो, ताकि सबको पता लग पाए कि भाई फ्रीलांसिंग होता क्या है, और इसे इसमें जॉब कैसे सर्च की जा सकती है, अर्निंग घर बैठे कैसे की जा सकती है, ऑफिस नहीं जाना, घर में बैठ के हो सकती है, प्रोफाइल स्ट्रांग होगी आपकी, और सबसे पहले आपको स्किल आपके ऐड ऑन करने होंगे, तब जाके आपका इजीली काम हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे। थैंक